D4 यू न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हिंसा भड़काने के आरोपी दीप सिद्धू को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू पर लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने और लोगों को उकसाने का आरोप है। उस पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए इनाम भी रखा था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहने वाली अपनी एक मित्र के संपर्क में था। वह एक्ट्रेस भी है। दीप इसी मित्र को वीडियो भेजता था और वह यही वीडियो दीप सिद्धू के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती थी। कुछ दिन पहले ही दीप सिद्धू का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने किसान नेताओं को धमकाया था और कहा था कि किसान नेता जमीन बचाने के लिए नहीं बल्कि राजनीति करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। झूठ की बुनियाद रखी जाने उन्होंने बंदियां नूं गदार दे टैग लाते जिन्हां बंदियां ने थोड़े नाल पिछले 6-6 महीनों तो थोड़े नाल खड़े आ दिन रात एक कीता। कोई एक स्टेटमेंट ही कढ़ के दिखा दो जिथे किसी ने किसी नूं भड़काया होवे। 25 तरीक नूं रात तो लैके 26 तरीक की हर स्टेटमेंट मेरे को पई आ। उदू पहला 6 महीनों दी स्टेटमेंट्स पईआं मैं थोनू करूंगा थोड़े नाल सांझियां। आउण दो टाइम जिन्हां ने भड़काया वह भी आपां नूं पता लग जू ते जिन्हां ने गल्लां सांभियां वह भी पता लग जू। 25 तरीक रात नूं उत्थे जाके स्टेज जिवें इन्हां ने गल्लां कीतियां ना भी दीप सिद्धू ने बंदे भड़काते मैं थोड़े नाल वह भी स्पीच सांझी करूंगा मिल गई आ। 26 तरीक नूं सवेरे 4 बजे जिहड़ी मैं वीडियो बनाई वह भी थोड़े नाल सांझी करूंगा की कह के गया। 26 तरीक नूं किन्ने बजे ते मैं कित्थों चल्लिया ये भी सांझी करूंगा। वह फोटो जिहड़ी लाल किले च खिंची गई आ किन्ने बजे 2:30-3 बजे वह फोटो खिंची गई आ उहदे टाइम नाल सांझी करूंगा जिहड़ी लोकां ने बनाती भी इह तां संदेहा ही चल गया सी। और वह लाल किले की कॉल थोड़ी सी लाल किले की कॉल साडी नहीं सी या दीप सिद्धू की नहीं सी उत्थे लखां बंदा सी। तुसीं सारे मूंह लुको के मूंह बन्नी बाहर लाल किले ते खड़े रहे क्योंकि किसी दी लत्तां ने भार नहीं झल्लिया। और लोगों ने यह गल मैनू कही बई आके सिचुएशन नूं संभाल यार कि गल हथों ही ना निकल जे महाराज ने बहुत मेहर की है। ते एक बंदा जिहड़ा उहदी पूछ ते अग लवाई फिरदा रहिंदा हुण उवें ही उह चला गया ते उत्थे जाके उहने सिचुएशन संभाली भी मुड़ के सारी गल उहदे सिर ते मरती। हुण झूठ दे बिना ते जमीरा मार के तुसीं लड़ाइयां लड़ सकदे हो। जिन्हां दी जमीर मर जांदी है ना वह आपके हक्कां दी लड़ाई नहीं लड़ सकते होंदे। इहनूं याद रखियो। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता वो विधायक डॉक्टर राजकुमार मीरका ने भी अपना बयान जारी किया है। देखिए उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनके सफर को एक झलक हमें फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि किस तरह से वो पिक्चर में आते हैं कि वो सनी देओल इलेक्शन लड़ने आते हैं। वो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक है, सनी देओल के दोस्त हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह के साथ उनकी फोटो जगजाहिर होती है। और फिर ये किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता है किसान आंदोलन बढ़ने के बाद अचानक उसमें घुसपैठ ये दीप सिद्धू करता है, अलग से मंच लगाता है, वहाँ खालिस्तान की बातें करता है, वहाँ देश को तोड़ने की बातें करता है। तो केंद्र की एजेंसी क्या कर रही थी तब? तो तब 26 जनवरी जब आई तो तब उनको किसने आगे बढ़ने की इजाज़त दी, किसने बैरियर हटाए, किसने लाल किले तक पहुंचने की इजाज़त दी? ये सारे सवाल केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं। एक तरफ NIA की टीम जो नेशनल एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने उन्हें समन जारी किया हुआ था और समन जारी होते हुए वो वहाँ कैसे पहुँच गया और वहाँ लाल किले पे जो झंडा फहराया गया वो कौन तमाशा देख रहा था? सिक्योरिटी क्या कर रही थी? एजेंसियाँ क्या कर रही थी? ये सीधे के सीधे तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया BJP के साथ जुड़ते हैं।